एंगुलर मोमेंटम के लिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं और इन्हें कैसे डील करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक स्पिनिंग टेबल है और एक यहाँ पर एक बॉल है जिसका मास m है और इस बॉल को इसकी तरफ फेंका गया, ऐसा माने कि बॉल यहाँ जाके चिपक गया। तब इनिशियली जो इसकी एंगुलर स्पीड थी वो ओमेगा थी, लेकिन ये बॉल जब इसके साथ स्टिक हो गया तब इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। इसे करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे बिकॉज यहाँ पर एक्सटर्नल कोई टॉर्क लग नहीं रहा। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। बच्चों बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर यही सिर्फ है रोटेट हो रहा है, तो इसकी इनर्शिया हमें पता है दैट इज mr2 / 2 दैट इज एंगुलर स्पीड है, वो आपका ओमेगा हो गया। प्लस ये mvr क्यों आया, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मुला होता है आर क्रॉस पी। अभी इसके लिए भी तो इस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना पड़ेगा ना, तो ये देखिए मोमेंटम और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि mvr, क्योंकि आर क्रॉस वी का डायरेक्शन इस तरीके से है तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर से ये रोटेट भी ऐसे हो रहा है, दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऊपर है, इसलिए यहाँ पर प्लस है। कई केसेस ऐसे आएंगे जहां पर अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो यहाँ पर आपको माइनस करना होगा। फिर जब ये बॉल इसके साथ स्टिक हो जाता है तब इस बॉल के लिए इनर्शिया एम आर स्क्वायर और इसके लिए इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू और इन ये दोनों इसके साथ पक गया, इसलिए इसका ओवरऑल जो स्पीड है वो हमने ओमेगा डैश कंसिडर करा है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ओमेगा डैश। मजा आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके जी में सो नीट में आते हैं।